वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशोनीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी मसाला डोसा बनाने। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी 2 कप चावल की। आप चावल कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो आप खाते हैं घर में। 2 कप चावल है तो 1/2 कप उड़द दाल रहेगा और 1/4 कप चने की दाल। चने की दाल डालने से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सुंदर इसका कलर आता है डोसे का। और 1 टीस्पून मेथी रहेगा। इन चारों को अच्छे से मिक्स करके एक साथ भिगो करके अच्छे से धुल के फुला देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के फूलने के बाद इसको पीस करके 8-10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो चावल मेरा फूल करके एकदम रेडी है। उसको पीस करके हमने रख दिया था 8-10 घंटे के लिए और ये बिल्कुल एकदम अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से ये बबल आ गए हैं। रात को मैंने पीस करके इसको रख दिया था। अगर आप ठंडी का मौसम है तो आप 20 से 24 घंटे तक इसको रख सकते हैं, नहीं तो फिर ऊपर से एक टॉवल में लपेट करके इसको किसी कॉर्नर में किसी गर्म जगह पे आप इसको रख दीजिएगा तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी। तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी 3 बड़े टमाटर फाइनली चॉप, 1/2 लौकी फाइनली चॉप, ड्रम स्टिक ऐसी मोटी लंबी कटी हुई 6-7 पीस, 1 गाजर फाइनली चॉप, कुछ हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च, इसको मैंने कूट करके ले लिया है, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक, 1 फाइनली चॉप प्याज, इमली का पल्प ले लेंगे 1/2 कप और 4 लाल मिर्च सूखी, सांभर मसाला आप किसी भी ब्रांड का सांभर मसाला यूज़ कर सकते हैं और राई, करी लीव्स, हल्दी और नमक। तो चलिए अब हम सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसे का मसाला बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी 1/2 kg बॉयल्ड आलू, 2-3 बड़े प्याज ऐसे फाइनली चॉप लंबे लंबे पतले कटे हुए, 1 पीस गाजर फाइनली चॉप, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, पेस्ट या कुटा हुआ आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, 5-6 हरी मिर्च है और 2 इंच अदरक है, 1 शिमला मिर्च है और करी लीव्स, लाल मिर्च, राई या सरसों आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, और ये पनीर है, पनीर ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, हरा धनिया और नमक। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके सांभर के लिए सबसे पहले हम एक कुकर रखेंगे। कुकर में हम 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। सरसों के तेल में इसको आप बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसको हम एक साथ सब कुछ बनाएंगे, कुछ भी अलग से हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना तड़का लगाना होगा अलग से ना कुछ करना होगा। तो ऑयल अब गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें प्याज को डालेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे। प्याज हल्का ट्रांसलूसेंट हो गया है, अब हम इसमें 2 लाल मिर्च लेंगे सूखी और इसको 20 से ऐसे करके तोड़ के इसको डाल देंगे और करी लीव्स को डाल देंगे, 8-10 करी लीव्स डाल देंगे, 2 टेबल स्पून राई को डाल देंगे। अब इसको अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे, इसको ढक देंगे, टमाटर को पकने देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो टमाटर मेरा अच्छे से ये पक गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें लौकी को डाल देंगे, 1/2 कप गाजर और ड्रम स्टिक, सबको एक साथ डाल करके मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई करेंगे और इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के इसमें सांभर मसाला डाल देंगे। आप सांभर मसाला किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर से इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, चलिए अब हम इसको चेक करते हैं।
ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, सारी सब्जियों में मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम इसमें पानी को डालेंगे। पानी आप इसमें 5 से 6 कप पानी इसमें आप डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। जब ये गाढ़ा लगेगा तो उसके बाद आप इसमें गर्म पानी बाद में डाल सकते हैं। अब ये पानी उबलने के लिए ढककर के इसको रख देते हैं। देखिए अब ये पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, तो हम अब 1/2 कप तुअर दाल लेंगे, इसको अरहर दाल भी बोलते हैं। इसको धुल के अच्छे से 2-3 बार, मैंने आधे घंटे के लिए इसको भिगो करके रख दिया था, तो अब हम इसको इसमें डालेंगे। सारे दाल को इसमें एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें 4 सीटी बाद हम इसको बंद कर देंगे गैस को। जब तक ये हो रहा है हम दूसरे गैस पे इसको रखते हैं और इधर मसाला बना लेते हैं। हम गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम ऑयल डालेंगे, 5-6 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। तो ऑयल अब गर्म हो गया है, सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। आपका मन है अगर पनीर ऐसे डालना चाहते हैं तो बिना फ्राई किए भी आप डाल सकते हैं। तो अब देखिए पनीर हल्का ब्राउन हो गया है, बस इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं करना है। अब इसको हम निकाल देंगे ऐसे साइड में करते हुए, पूरा ऑयल ऐसे साइड से निकल जाएगा। तो अब हम इसको सारे पनीर को निकाल देंगे। तो अब हम पनीर को निकाल चुके हैं, तो देखिए ये पनीर इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो इसको रखेंगे अब हम साइड। तो अब हम डालेंगे 2 लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद हम डालेंगे इसमें राई, आप राई की जगह सरसों भी डाल सकते हैं, और 10-12 करी लीव्स डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, राई के चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का ट्रांसलूसेंट करेंगे, क्योंकि इसमें मसाले में प्याज थोड़ा सा कच्चा कच्चा टेस्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो अब ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इससे ज़्यादा आप इसको प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और गाजर। अगर आपको इसमें गाजर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। फिर से एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च जो ग्रेट करके मैंने रखा था, अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून सांभर मसाला डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। अब हम इसमें आलू को हाथ से ऐसे तोड़ करके डालेंगे, ज़्यादा इसमें ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं डालेंगे, हाथ से तोड़ करके बड़े बड़े चंक्स डालेंगे आलू को। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स करके इसको अच्छे से भूनेंगे ऐसे दबाते हुए। इसमें आप केवल सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, या सांभर मसाला ना डाल के केवल आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, हम हल्दी नहीं डाले हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसमें पनीर को जो फ्राई किए थे अब इसको भी मिक्स कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना सुंदर ये कलरफुल एकदम मसाला बन करके एकदम रेडी हो गया है। तो इसको अब हम रखेंगे साइड। तो चलिए अब हम सांभर को देखते हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो हम इसको कुकर को खोलेंगे, प्रेशर पूरा निकल चुका है। तो ये सांभर देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनकर के रेडी है। बिना मेहनत के एक ही कुकर में आप तड़का भी लगा सकते हैं और इसको सांभर भी बना सकते हैं। इसको अलग से फ्राई करने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे, जितना आपको खट्टा पसंद है उतना आप इसमें इमली का पल्प डाल सकते हैं। हम डाल रहे हैं इसमें 5 टेबल स्पून, और अब हरा धनिया डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सांभर बन करके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इससे भी पतला चाहिए तो आप इसमें गर्म पानी अलग से खौला करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो एक ही कुकर में मैंने फ्राई भी किया और तड़का भी दिया और
सांभर भी बना दिया। अलग से आपको कोई भी कढ़ाई रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मसाले को फ्राई करना है, ना ही तड़का फ्राई करना है, एक ही कुकर में बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनकर के रेडी है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर को लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक डालने से ये पेपर भी आप लोग केवल खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसमें हम ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा बस पानी डालेंगे, बस 2-3 टेबल स्पून पानी डालना है। अब इसको अच्छे से फेंटना है, नमक और पानी को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बना देना है। ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अगर आप इसमें नमक नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं नमक को। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो चलिए अब हम गैस ऑन करके एक तवे को रखते हैं और डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस ऑन करके हम एक पैन को रखेंगे, डोसा पैन को। अब इसमें हम पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इसमें थोड़ा सा घी डाल करके इसको एक टिश्यू पेपर लेकर के इसको पूरा अच्छे से पोंछ लेंगे। अब हम इसमें फ्लेम को हाई रखेंगे, तवा एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो बैटर डाल करके इसको अच्छे से एकदम धीरे धीरे ऐसे ही घुमाते रहेंगे। अगर आपका ये तवा ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये डोसा अच्छे से फैल नहीं पाएगा। तो इसके ऊपर आप घी भी लगा सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं। तो हम इसके ऊपर घी लगा रहे हैं। तो देखिए आप, ये अपने आप धीरे धीरे किनारे से अपने आप छोड़ दिया है और ये देखिए कितना क्रिस्पी ये बन करके रेडी हुआ है। चलिए अब हम दूसरा बनाते हैं। इसको आप जब जब बनाएंगे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और जब जब बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी ले करके इसको थोड़ा सा ठंडा करना होगा और इसको क्लीन करना होगा। धीरे धीरे ऐसे घुमाते हुए वैसे ही हम एक और फैलाएंगे, पूरा अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। और इसमें अब हम बटर लगाएंगे, बटर या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। फ्लेम को ज़्यादा हाई मत करिएगा, नहीं ये अपने आप नॉनस्टिक है। वैसे आप इसको आयरन की कढ़ाई में बनाइए, आयरन की तवे पे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। एक हम आपको मसाला डोसा बना करके दिखाते हैं इसमें मसाला लगा करके। तो जब ये क्रिस्पी हो जाएगा चारों तरफ से तब हम इसको फोल्ड करेंगे, चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे ताकि बराबर इसकी आँच चारों तरफ लगे। बटर को फैला देंगे। अगर आप नॉनस्टिक में नहीं बनाना चाहते हैं तो आयरन के तवे पे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा वो और बहुत ही क्रिस्पी। या तो आपके पास कोई रफ़ पैन हो थोड़ा ख़राब तो उसमें बहुत अच्छा बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है, पूरा अच्छे से चारों तरफ ये छोड़ दिया है तवे को। तो अब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। आप इसके ऊपर प्याज, कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए आप, मसाला डोसा बन करके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये डोसा बन करके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।